नमस्कार जी, मैं द्रोण गर्ग मिट्सवा के साथ यहाँ सिरसा के पास जेंडर रिजॉर्ट्स के मेन गेट पे खड़ा हूँ। यह कंपनी मिट्री फॉर्म्स करके कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिन्होंने हमें एयर कर्टन्स और स्ट्रिप कर्टन्स लगाने का एक अवसर दिया है जो कि एंटी इन्फेक्शस है। तो आइए, मैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ इस कंपनी के भी उम्दा प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। हमारे साथ फैक्ट्री के प्रोडक्शन हेड मिस्टर संतोष कुमार जी हैं, जो हमें मिट्सवा की उपयोगिता के साथ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हुए हमें फैक्ट्री के गेट से अंदर लेके जाएंगे। देखिए, ये हमारा प्रोडक्शन गेट है, मेन गेट है। यहाँ से जितने भी प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज हैं वो सब एंट्री होते हैं। ये जो हमने एयर कटर लगवाया हुआ है, इसका पर्पज यही है कि अंदर जो है, जैसे कोई भी पर्सनल एंट्री होती है, अंदर की साइड में गेट खुलता है, तो मक्खी वगैरह अंदर ना जाए। तो सर, ये मैं देख रहा हूँ कि आपने फ्रंट गेट के ऊपर एक ये फुट वॉश भी रखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये हाइजीन पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पैर से गंदगी, जो भी मान लो जूते पे किसी के कुछ बैक्टीरिया बाहर से लग के आ रहा है, तो वो जैसे इसमें पैर टिप करेगा तो ये सैनिटाइजर बैक्टीरिया यहीं पर किल हो जाएगा और अंदर बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करेगा। जो है इसमें पानी रहता है और हमारा आयोडोफोर का सैनिटाइजर का सोल्यूशन रहता है, वो हम इसमें डाल के, तो वो जो भी बंदा जाता है वो इसमें अपना पैर टिप करके और फिर आगे जो मैट पड़ी हुई है उस पर पहुंच के जब अंदर जाता है, यानी मक्खी वगैरह जो भी कोई भी डस्ट वगैरह है, मक्खी है, वो अंदर ना जाए, बाहर की बाहर रहे। और हमने स्ट्रिप्स जो लगाई हुई हैं गेट अंदर अंदर की साइड में, तो डबल इंश्योरेंस के लिए अगर कोई मक्खी पास हो भी जाती है तो मिट्सवा का स्ट्रिप कर्टन इसको ट्रैप कर देता है। अब हम आपको ना अनलोडिंग एरिया पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी ऊंची हाइट पे आपने 3 एयर कर्टन लगवाए हैं, 9 से 10 फीट की हाइट पे। यहाँ पे सर एयर कर्टन्स लगाने का क्या मकसद है, जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई डोर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ग्रेट वाशर से जाने से पहले ही यहाँ पे हमारा ये एयर कटर से जब पास होगी क्रेट, जो भी क्रेट पे मक्खी मच्छर जो भी गंदगी वगैरह होगी वो यहीं से रह जाएगी, बाहर रहेगी, वो अंदर नहीं जा सकेगी। तो इससे हमारी जो है अच्छी हाइजीन मेंटेन हो सकेगी, हम प्लांट के अंदर एक अच्छा हाइजेनिकल एटमोसफियर क्रिएट कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में आप कहना चाह रहे हैं कि मिट्सवा इस चीज के लिए कमिटेड है कि हम 9 से 10 फीट की हाइट पे भी आपको एक ऐसा वेलोसिटी एयर का देते हैं जिससे कि वो आपका जो मकसद है कि आपके मक्खी मच्छर ना आए, उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। अब हम चलते हैं ब्लास्ट एरिया की तरफ। ये आपका सर, ये जो मैं ब्लास्ट एरिया देख रहा हूँ, इसके अंदर ये आपने एक एयर स्ट्रिप कर्टन लगवाया है जो कि मैं देख रहा हूँ येलो ट्रांसपेरेंट कलर का है। तो सर, यहाँ पे एयर कर्टन ना लगवा के ये आपने स्ट्रिप कर्टन लगवाया, इसका यहाँ पे क्या उपयोगिता आप समझते हैं सर? इसका सर देखिए, यहाँ पे हमारा जो दही है जो इंक्यूबेशन रूम से आता है, ये इस रूम का टेम्परेचर हमारे का ब्लास्टर का रहता है -8 से -10। बाहर का टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर का माइनस, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेल्टा है। इस वजह से हीट का ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है, बहुत तेजी से होता है। तो इस हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए हमने ये लगाए हुए हैं ताकि टेम्परेचर ड्रॉप ना हो और हमारी एनर्जी की सेविंग हो। मैं समझ रहा हूँ इस चीज से कि आपने ये जो लगवाया है, इससे आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी एक यूनिफॉर्म रहेगी और आपका मेरा ख्याल में टेम्परेचर मेंटेन होने के साथ साथ एनर्जी सेविंग भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि कंप्रेसर का ड्यूटी टाइम कम रहेगा। सर, अब हम चलते हैं सर इंक्यूबेशन रूम की तरफ। यहाँ तो सर मेरा ख्याल में टेम्परेचर इंक्यूबेशन के अंदर प्लस डिग्री में रहता है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी हायर साइड रहता है। इसका भी पर्पज वही है, इस रूम का टेम्परेचर हमारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोमेटिक रहता है, वो हमें मेंटेन करना ही है दही के लिए। यदि हम स्ट्रिप अगर गेट पर नहीं लगाएंगे तो यहाँ भी हीट ट्रांसफर होती है। तो दोनों ही चीजें, मशीन कम चले, एनर्जी सेविंग हो और प्रोडक्ट का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें ये लगाया है ताकि टेम्परेचर हमारा 43 मेंटेन रहे और ना कम हो, ना घटे, ना बढ़े, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वर्कर्स आते हैं जाते हैं तो ये अपने आप कर्टेन बंद हो जाते हैं। अब हम जा रहे हैं कंपनी के हार्ट में, जिसको कंपनी का कोल्ड स्टोर कहा जाता है। यहाँ पे कंपनी ने मिट्सवा के साथ एक बहुत बड़ा वेंचर लिया है। इन्होंने गेट के ऊपर ही एक एयर कर्टन इंस्टॉल किया है और जैसे हम ये डोर खोलते हैं तो डोर खोलते ही अंदर भी इन्होंने कोल्ड चेन ब्रेक ना हो, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक इंसेक्टिसाइड फ्री कोल्ड टेम्परेचर को बनाने के लिए
एक स्ट्रिप कर्टन लगाया है, तो आप इसका कुछ ओवरऑल भी समझते हैं कि यहाँ पे आपको ये लगाने से कितना और क्या बेनिफिट होता है कि आपकी कोल्ड चेन कितनी हद तक मेंटेन रहती है और आप एनर्जी सेविंग में क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? ये सर ये जो हमने स्ट्रिप लगाई हुई है क्योंकि अब कोल्ड रूम में माल आता जाता रहता है, ट्रांजेक्शन होती रहती है, कभी माल निकाला जा रहा है कभी रखा जा रहा है, तो आवागमन बना रहता है। तो उसके लिए क्या है कि गेट को अगर बार बार यहाँ पे बंद करते हैं तो गेट डैमेज होते हैं। दूसरी बात, गेट खुला रहता है तो उसमें मच्छर मक्खी वगैरह तो कीड़े मकोड़े कोई कुछ भी जा सकता है अंदर कोल्ड रूम में। तो ये सब रोकने के लिए हमने ये स्ट्रिप्स लगवाई हुई हैं। एनर्जी सेविंग और क्वालिटी सेविंग दोनों ही पर्पज से ये कर्टेन हमने लगवाया हुआ है यहाँ पे। नहीं सर, हमने बटर सेक्शन के अंदर भी अलग से एक स्ट्रिप कर्टन लगा देखा है ताकि आप डिमार्केशन के साथ अंदर के टेम्परेचर को भी मेंटेन रख सकें। डिस्पैच सेक्शन भी आपने कवर कर रखा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमारा टेम्परेचर बना रहता है और हमारी एनर्जी सेविंग जो थी दोनों ही बेनिफिट हमें मिलते हैं। जब से हमने ये कर्टेन लगवाए हैं अब हम अगर आधा क्या एक घंटे भी अगर बंद कर देते हैं और ये गेट भी खुला रहता है तब भी हमारा टेम्परेचर जो है 7-6 से ऊपर नहीं जाता, 6 से ऊपर नहीं जाता, ठीक तो है। तो ये उतनी हमारी हम अब क्या हम बीच बीच में अपने कंप्रेसर्स को बंद करके भी जो है एनर्जी की सेविंग कर लेते हैं तो उससे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी सेविंग भी रहती है टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। टेम्परेचर अब हम आ रहे हैं सर, आपका ये जो डॉक एरिया है, प्रोसेसिंग एरिया है जो कि आपका जहाँ से आपका मटेरियल इंटेक होता है सर, यहाँ पे हमारा VLC आती है यानी कि कैनों से दूध आता है और लोकल सप्लायर हैं उनका दूध आता है, तो कोई कैन में लेके आता है कोई किसी में, अपने अपने कंटेनर्स में दूध लेके आते हैं। जाली से देखिए पूरा कवर कर रखा है हमने जाली से इसको, और बाकी जो ओपन एरिया उसमें कर्टेन लगा रखे हैं, एयर कटर लग रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि बिल्कुल सेफ हमारी क्वालिटी रहे, कोई भी मक्खी मच्छर प्लांट के अंदर नहीं आए, जो भी प्रोडक्ट हम दें वो कस्टमर को पूरी सेफ्टी के साथ दें, उसको एक हेल्दी लाइफ दें, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हमारा यही मकसद है। मैं अदर शब्द में समझता हूँ कि मिट्री फार्म हर तरीके से कमिटेड है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और एश्योरेंस के साथ। उसके लिए कंपनी ने हर तरीके का हर संभव कोशिश करी है। हमें बीइंग अ मिट्सवा पर्सन, हम आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो संतोष जी, अगले सेक्शन में हम आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स की रेंज देखते हैं। ये एक कैन है और साइड में एक एक लीटर के शायद छोटे से पैकेट्स हैं। आपका घी मतलब क्या खासियत है अपने मिट्री फार्म के घी में? तो हमारा प्रोडक्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 100% सेफ है। सेफ है तो सर ये जो 15 लीटर में आ रहा है आपका, ये कि 15 किलो की पैकिंग है सर? सर ये 15 केजी में है। इसके 15 केजी की वैल्यू 8,500 है और ये लगभग 16-17 लीटर के बीच में होगा सर, अगर लीटर में तो। यस सर। और जो आपका ये छोटी पैकिंग है ये 1 लीटर के अंदर है? ये सर हमारा 1 लीटर का है कंज्यूमर पैक के लिए, जैसे कोई 15 केजी नहीं ले सकता, किसी की रिक्वायरमेंट 1 लीटर की है तो वो 1 लीटर ले सकता है, हम ये 550 रुपए में 1 लीटर देते हैं। और इसमें भी वही सेम क्वालिटी है, सेम सब चीजें हैं और सारा पैरामीटर हमारे सब, हमने ISO 22000 ले रखा है, सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के हम प्रोडक्ट बनाते हैं और बहुत ही अच्छी हाइजीन कंडीशन में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा है कि दही दो तरह की इस तरीके इसीलिए है कि एक तो होता है ये जो नीला वाला है ये 5 केजी का मटका है, ये हमारा ये स्किम्ड मिल्क से हमने बनाया हुआ है, यानी इसमें फैट बहुत कम है, लो फैट, कोलेस्ट्रॉल टॉलरेंस जो लोग होते हैं वो उनके लिए जीरो फैट का वो प्रोडक्ट लेते हैं। अगर आप मान लीजिए घर में दही बनता है तो उसमें फैट होती है, तो उन लोगों को चाहिए कि बिना फैट का दही खाना है उनको, तो वो हम यहाँ ये इसलिए उन लोगों के लिए हम दही देते हैं। ये रेट में भी सस्ता होता है और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है जो फैटी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते। रेड कलर में जो दही है ये हमारा टोन्ड मिल्क दही है, इसमें 3% फैट हम रखते हैं। अच्छा, और ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट चाहते हैं, जिनको फैट भी पसंद है, और एक घर का सा दही, जो घर का दही चाहिए, जो कहते हैं कि बिल्कुल घर का दही चाहिए, चक्के वाला ये चक्का दही चाहिए और घर जैसा, तो इसमें सर ये घर जैसा टेस्ट है, घर जैसा स्वाद मिलेगा आपको, इसमें सारी चीजें बिल्कुल घर जैसी मिलेंगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे घर का दही खा रहे हैं। हमने क्या है ट्रायल बेसिस पे पनीर का प्रोडक्शन किया है, हमने पहले ट्रायल किए हैं अपनी मशीनरी की, जो कि हमारे पास में बहुत सारी मशीन से हम हाथ से कोई काम करते नहीं है, अनटच्ड बाई हैंड हमारा प्रोडक्शन होता है, यानी हमारे यहाँ हाथ से कोई प्रोडक्ट छुआ नहीं जाता,
जी सर, हमारे यहाँ सारी जो प्रोसेसिंग, कटिंग, पैकिंग वो सब होती है, वो सब मशीनों से होती है जी। तो सर, हमने वो मशीनों का ट्रायल लेने के लिए, अपने क्वालिटी का एक डेमो देने के लिए हमने थोड़ा सा प्रोडक्शन किया था, तो उसी का ये पनीर हमने पैक किया हुआ है। हम इसे मार्केट में भी भेज रहे हैं, मार्केट के जो भी हम सर्वे भी करा रहे हैं, अपने की क्वालिटी फीडबैक भी ले रहे हैं, और अभी तक जो भी क्वालिटी फीडबैक आया बहुत ही शानदार आया है। सर, हमारे मसाला छाछ है, देखो अच्छा। छाछ है, दो तरीके के छाछ है हमारी, मसाला छाछ और प्लेन छाछ। हाँ, ये भी हमारे अंडर ट्रायल है, प्रोडक्ट अंडर ट्रायल है, इनका भी हम मार्केट से फीडबैक ले रहे हैं। हाँ, हमने दो तीन बार मार्केट प्रोडक्शन करके सैंपल के लिए और मार्केट भेजा हुआ है। हाँ, और उनका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और लोगों के ऑर्डर भी आने लगे, एडवांस में ऑर्डर आने लगे हैं लोगों के। तो ये थे मेरे साथ संतोष जी, और इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझाने की कोशिश करी है, और मिट्री फार्म की जो खास चीजें हैं, जो क्वालिटी है, वो इनके बताने के तरीके और दिखाने के तरीके से मुझे तो कन्विंसिंग लगता है कि मिट्री फार्म जो भी प्रोडक्ट निकाल रहा है या निकालने वाला है, वो हर तरीके से हाइजीन मिलेगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको भी बताता हूँ कि मिट्सवा और मिट्री फार्म मिलके एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना के क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, और मैं इनसे दुआ करता हूँ, इनको ब्लेसिंग्स देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट बनाए उससे लोगों के हेल्थ, लाइफस्टाइल और हाइजीन के अंदर कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना होके अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बने कि लोग इसके लिए वाह वाह करें, और भविष्य में मिट्री फार्म का नाम सब तरीके से एक बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हो। और इसी के साथ मैं अपनी जर्नी यहीं रोकता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये लोग वीडियो अच्छा लगेगा, और आप इससे वीडियो को देख के आप ये समझ पाएंगे कि कंपनी किस हद तक कितना हाइजीन को फॉलो करती है, और फिर जो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है वो सिर्फ पैकिंग में ही बढ़िया ना होके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उसी लेवल की होती है जिससे कि आपको एक हाइजीन प्रोवाइड करा सकें। यही हमारा एक विजन है। इसी के साथ मैं अपने इस जर्नी को यहाँ रोकता हूँ।